हिंदी साहित्य में पाश्चात्य जगत से जो अवधारणाएं आई हैं उनमें एक अवधारणा है बिंब, जिसे अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे पिछले दो एपिसोड देखा होगा। एक एपिसोड में मैंने फैंटेसी पर चर्चा की थी और दूसरा एपिसोड था मिथक के ऊपर। इसी श्रृंखला में आज मेरा यह तीसरा एपिसोड है बिंब। आज हम पढ़ेंगे बिंब क्या है और इसके बाद जो मेरा अगला लेक्चर होगा वह प्रतीक पर होगा। तो आइए आज हम बिंब को समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, बिंब किसे कहते हैं और बिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बिंब को अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है और इसका उत्तर लिखने के लिए आप इन बिंदुओं के आधार पर उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे प्रस्तावना। कोई भी जब उत्तर चालू करते हैं तो आप प्रस्तावना लिख कर उसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन यह प्रस्तावना शब्द लिखने की प्रायः आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बिंब की परिभाषा। बिंब की परिभाषा क्या है, कुछ विद्वानों के यहाँ पर हम परिभाषा का उल्लेख करना आवश्यक है। फिर काव्य बिंब के पांच लक्षण, काव्य बिंब के पांच लक्षण कौन कौन से होते हैं। विशेष रूप से जो बिंब का प्रयोग होता है कविताओं में ही किया जाता है। इसके बाद काव्य बिंब की विशेषताएं, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बिंब के मूलभूत तत्व, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं बिंब के, वे बिंबों के भेद, बिंब कितने प्रकार के होते हैं और बिंब के कुछ उदाहरण। उदाहरण देकर भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई बिंब ऐसा होता है, इसको बिंब कहते हैं। इसके बाद आखिरी में उपसंहार। यह प्रस्तावना और उपसंहार शब्द प्रायः लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सीधा उत्तर लिखना चालू कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। शाब्दिक दृष्टि से बिंब अर्थात इमेज का अर्थ है प्रतिमा, आकृति, रूप, चित्र आदि। तो इसका इमेज का अर्थ यह होता है ना, बिंब मतलब चित्र, प्रतिमा, आकृति, रूप आदि। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम इंद्रियों के माध्यम से स्थूल जगत की विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो उनका प्रतिबिंब या चित्र हमारे मन में अंकित हो जाता है, तथा ये प्रतिबिंब ही समय समय पर हमारी वासना, संस्कार, स्मृति, भावना आदि को जागृत करने का कार्य करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जैसे हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, इसकी सहायता से हम जिन वस्तुओं को, हमारी जो भौतिक जगत है, मूर्त जगत में उनको देखते हैं, महसूस करते हैं, तो इनकी जो स्मृति होती है, इनका जो इमेज होता है वह क्या है, हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है, हमारे मस्तिष्क में, और समय समय पर इनकी हमको याद आती है और ये हमारी वासना, ये हमारे वासना, हमारे संस्कार, स्मृति, भावना आदि को जागृत करने का काम करते हैं। आगे आप इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। इसका मतलब है कि इमेज कहाँ से बनते हैं हमारे दिमाग में, जो भौतिक जगत है उसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से देखते हैं, महसूस करते हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उनका जो इमेज है हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है, और समय समय पर जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हमारे अवचेतन मन में है, समय समय पर हमको उनकी याद आती है, उन इमेजेस की। ये बिंब एक प्रकार से संचित अनुभूतियों के रूप में हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में सदा विद्यमान रहते हैं, और समय समय पर स्मृति एवं कल्पना की सहायता से पुनः हमारे चेतन स्तर पर उदित होकर हमें भांति भांति के बोध प्रदान करते हैं। कवि या कलाकार इन्हीं बिंबों को अपनी रचना में प्रस्तुत करता है, जिन्हें ग्रहण करते हुए पाठक या दर्शक सामाजिक विषय का बोध प्राप्त करते हैं। मतलब जो कवि होते हैं वो क्या होते हैं, कवि या लेखक, जो हमारे जो भौतिक जगत है, संसार है, वहां जो चीजें हैं है ना, उनको देखकर, उनको सुनकर, उनको महसूस करके उनके दिमाग में एक इमेज बन जाता है, एक बिंब बन जाता है, और यही बिंब समय समय पर क्या होता है, उनके चेतन दिमाग पर आ जाता है, चेतन मन पर, और वहां पर वे कल्पना की सहायता से साहित्य में उसका उल्लेख कर देते हैं, उसे प्रतिबिंबित कर देते हैं। तो जो इमेज होता है, जो बिंब होता है, उसको शब्द चित्र के माध्यम से दर्शकों और पाठकों तक पहुंचा देते हैं। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई कवि है किसी जगह से गुजर रहे हैं, किसी स्थान से, उन्होंने वहां पर बहुत से गरीब बच्चों को देखा, वे गरीब बच्चे बहुत ही गंदे हैं, मतलब मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं, मिट्टी से सने हुए हैं, उनका बहुत हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं, पेट बहुत मोटा है ना, बहुत बड़ा पेट है, गरीब बच्चों कुपोषण के शिकार है। उनको देखकर कवि का हृदय द्रवित हो जाता है, लेकिन वहां पर अब खड़े होकर कविता थोड़ी लिखेंगे, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, वो अपने घर आ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद अब ये जो इमेज है, बच्चों का इमेज है, उनके दिमाग में अंकित हो चुका है, उनके अवचेतन मन में बच्चों के जो जो इमेज है, जो बिंब है, वह अंकित हो चुका है। अब बहुत दिनों के बाद जब कवि को उन बच्चों को याद आती है, जब
और चेतन मन में जो इमेज बना हुआ है, जो बिंब बना हुआ है, वह उनके चेतन मन में आ जाता है और उन बच्चों को याद आती है। तो जो जो कवि है उन बच्चों को याद करके अपनी कल्पना के माध्यम से और जिन भावनाओं को उन्होंने महसूस किया था उसके माध्यम से वे कविता लिख देते हैं, है ना। एक शब्द चित्र बना देते हैं, शब्दों के माध्यम से उन बच्चों का चित्र बना देते हैं और एक कविता लिख देते हैं। और उस कविता का जब पाठक पढ़ता है तो कवि के दिमाग में जो बिंब या इमेज बना हुआ है वैसा ही इमेज पाठक भी महसूस करता है, पाठक या श्रोता। मतलब कोई पाठक जब उस कविता को पढ़ता है तो बिल्कुल वो जो बच्चे हैं, है ना, वो साकार रूप में उसके सामने उसको ऐसा महसूस होता है कि वह उनको देख पा रहा है। यह यही इमेज है, यही बिंब है। मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे इसको। दूसरे शब्दों में बिंब क्या होते हैं? इंद्रिय अनुभूति। इंद्रिय अनुभूति मतलब हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनके माध्यम से ग्रहण की गई अनुभूति का प्रतिबिंब है जो कि मन में अंकित हो जाता है। मतलब यह जो बिंब है या इमेज है हमारे दिमाग में या फिर कवि के दिमाग में क्या हो जाता है? अंकित हो जाता है, एक इमेज बन जाता है। और इमेज कहाँ से बनता है? जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम, इन पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसने जो कुछ भी अनुभव किया है संसार में वह उसके दिमाग में अंकित हो जाता है बिंब के रूप में या फिर इमेज के रूप में। और मतलब उसने जो अनुभूति ग्रहण किया, जो अनुभव किया, वही इमेज बन जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। साहित्यिक दृष्टि से बिंब की अनेक परिभाषाएं की गई हैं या दी गई हैं। साहित्यिक दृष्टि से बिंब को परिभाषित करने का प्रयास बहुत सारे विद्वानों ने किया हुआ है। एक सी डी लेविस करके विद्वान है, उनका कहना है, उन्होंने बिंब के स्वरूप का सांगोपांग विवेचन करते हुए कहा है। सांगोपांग मतलब ए टू जेड, सभी प्रकार से काव्यात्मक बिंब, यह बिंब है, बिंब लिखा गया है। काव्यात्मक बिंब शब्दों के माध्यम से निर्मित एक ऐसा चित्र है जिसका किसी न किसी प्रकार के ऐन्द्रिक गुण से संपन्न हो। मतलब काव्यात्मक बिंब क्या होता है? शब्दों के माध्यम से जब चित्रमय रूप में किसी चीज की अभिव्यक्ति होती है तब उसको क्या बोलते हैं? काव्यात्मक बिंब बोलते हैं। मतलब शब्दों के माध्यम से चित्र बना देना, यहां पर जैसे पेंटर लोग चित्र बनाते हैं या फिर कोई कलाकार चित्र बनाते हैं वैसा चित्र नहीं है, शब्दों के माध्यम से चित्र बना देना। और वो कैसे बनाता है? जिसका किसी न किसी प्रकार के इंद्रिय गुण से संपर्क हो। मतलब उस बिंब का संबंध किससे होना चाहिए? किसी न किसी प्रकार के इंद्रिय गुण से संपर्क होना चाहिए, इंद्रिय गुण से संबंधित होना चाहिए। और इंद्रिय गुण कौन से हैं? मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इत्यादि के माध्यम से जो अनुभव ग्रहण किया है कवि ने, उसी अनुभव को शब्दों के माध्यम से वह चित्र के रूप में हमारे सामने परिलक्षित कर देता है, प्रदर्शित कर देता है, मतलब कविता लिख देता है। इनका कहना यह है, मतलब शब्दों के माध्यम से चित्र बना दिया जाता है लेकिन जो अनुभूति होती है वो वास्तविक जगत से ली गई होती है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र के मत से काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। जैसे मैंने आप गरीब बच्चों का उदाहरण बताया, तो काव्य बिंब क्या है? शब्दों के माध्यम से उन बच्चों का चित्र खींच देता है, कभी चित्र बना देता है। मतलब उसके दिमाग में जो छवि बनी हुई है उन बच्चों की, उसमें अपनी कल्पना के द्वारा उन बच्चों को वह अपनी कविता में चित्रित कर देता है। लेकिन इसके मूल में किस भाव की प्रेरणा है? उसके मन में जो करुणा की, जो दया की भावना उत्पन्न हुई थी वही उसकी प्रेरणा बनती है। मतलब जब किसी बिंब को, जब किसी इमेज को कोई कवि शब्दों के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करता है तो उसकी प्रेरणा उसको वास्तविक जगत से मिलती है और उसके और अपनी कल्पना के माध्यम से वह उस इमेज को, उस बिंब को अपनी कविता में प्रतिबिंबित करता है, परिलक्षित करता है या फिर उसका चित्र अंकित करता है शब्दों के माध्यम से। मतलब शब्दों के माध्यम से चित्र उकेर देता है, यह है इसका कहना। तो काव्य बिंब के पांच लक्षण क्या क्या लक्षण, इसके माध्यम से आप ज्यादा अच्छा सा समझेंगे। काव्य बिंब या काव्यगत बिंब के स्वरूप के सम्यक बोध के लिए इसके पांच लक्षणों पर विचार किया जा सकता है। मतलब काव्य बिंब के पांच लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं? पहले चित्रात्मकता। इससे आशय यह है कि जिस प्रकार चित्र में वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसी प्रकार बिंब में भी ऐसा प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंब होता है जो पाठक के मन में उस वस्तु की अनुभूति जगा सके। मतलब चित्रात्मकता होना चाहिए, शब्दों का चयन और प्रस्तुतिकरण कवि का ऐसा होना चाहिए कि हमको मूर्त रूप में वो चीजें दिखाई देने लगे जैसे कि हम चित्रकार के द्वारा बनाए हुए चित्र में देखते हैं। जैसे मैंने उस बच्चों का उदाहरण आपको बताया हुआ है कि गरीब बच्चों का, तो जब उसके संबंध में जब कवि कोई कविता लिखता है, उन गरीब बच्चों के विषय में जब कोई कविता लिखता है कवि और उस कविता को हम पढ़ते हैं
तो हमारे सामने उन बच्चों का जो इमेज है, जो बिंब है, बिल्कुल चित्र की भांति प्रकट होना चाहिए, है ना, वैसे ही दिखाई देना चाहिए जैसा उस कवि ने उस समय महसूस किया था या देखा था। इस पर कुछ प्रकार से साधारणीकरण भी कर सकते हैं। दूसरा, शब्द रूपात्मकता, शब्द को रूप देना। काव्य में बिंब चित्र की भांति रेखाओं में नहीं अपितु शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत होता है। किसी कविता में बिंब को कवि शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है और इसके लिए किसी प्रकार की रेखाओं या चित्रकारी करने की जरूरत नहीं होती है। वह शब्दों के माध्यम से ही वो चित्र बना देता है, उसे मूर्त रूप दे देता है। तो शब्द क्या है, शब्द रूपात्मकता, शब्द रूप प्रदान कर देते हैं। फिर ऐन्द्रिकता, ऐन्द्रिकता क्या होता है, जो हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं, आंख नाक कान त्वचा जीभ इत्यादि। आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, मतलब पांच ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम सभी सेंसेशंस को महसूस करते हैं। ऐन्द्रिकता, इसका अर्थ है कि वह चित्र केवल स्थूल वस्तु का ही प्रतिबिंब ना हो अपितु तो उसका संबंध इंद्रिय बोध से भी होना चाहिए, या यूं कहिए कि उसमें हमारे ज्ञानेंद्रियों को गुदगुदा देने की क्षमता होनी चाहिए। जब बिंब या इमेज को कवि मूर्त रूप प्रदान करता है तब उसमें ऐन्द्रिकता का भी गुण होना चाहिए। जैसे कि कवि यदि उन बच्चों का वर्णन करता है, गरीब बच्चों का, भूखे भूखे प्यासे बच्चों का, कुपोषण के शिकार बच्चों का, तो सिर्फ हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ अर्थशास्त्री दृष्टि से देखें कि गरीब बच्चे हैं, कुपोषण के शिकार हैं और उनका पेट बहुत निकला हुआ है, हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं, कृशकाय दिख रहे हैं। अब ये क्या, इसमें कोई फीलिंग्स और इमोशंस नहीं जग रहा है। हमने अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा कि ये बच्चे क्या है, गरीब बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब रूखा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे मन में भी करुणा और दया की भावना जागृत होनी चाहिए, हमारी भावनाओं को भी झकझोर देने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। या फिर कोई खुशी की बात अगर लिख रहा है कवि तो उसमें उसके सौंदर्य बोध को हमें भी महसूस होना चाहिए उसको पढ़कर। जैसे किसी नायिका का वर्णन कर रहा है कवि जिसने उसको देखा हुआ है, तो हमारे मन में भी ऐसे रोमांटिक फीलिंग्स आने चाहिए, ऐसा कहना है। मतलब हमारी इंद्रियों को कुछ न कुछ असर जरूर डालना चाहिए उस इमेज के द्वारा। ये बिंब कविता में जो बिंब होते हैं उसका उदाहरण है काव्य बिंब का। भावोत्पादकता, मतलब भाव को उत्पन्न करने की क्षमता, ऊपर भी बता चुका हूं। इसका अर्थ है कि काव्य बिंब में भावोत्पादन की क्षमता का होना अनिवार्य है। मतलब जो काव्य के बिंब है उसमें क्या होना चाहिए, मतलब काव्य बिंब के द्वारा क्या होना चाहिए, हमारी जो भावनाएं हैं, मन में भावनाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी फीलिंग्स हैं, दुख है, पीड़ा है, है ना, खुशी है, रोमांस है, तो इन भावनाओं को जन्म देने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा, उसमें आरोपण का अभाव होना चाहिए। मतलब आरोपण के आगे देखते हैं, इसका अर्थ है कि वह अलंकारों की भांति मूल वस्तु पर ऊपर से या बाहर से आरोपित नहीं होना चाहिए, उसका वस्तु से सीधा संबंध होना चाहिए, अन्यथा बिंब और अलंकार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अब अलंकार में क्या होता है, जैसा कि कवि बोलता है कि वो बच्चे बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी की तरह थे, अभी उन्होंने उनकी तुलना कर दिया, है ना, उपमा कर दिया और उसका तुलना कर दिया उससे, तो ये अलंकार हो गया, उपमा दे दिया उसको, सूखी हुई लकड़ियों की तरह दिख रहे थे लड़के। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमको सीधा उन बच्चों के जो कृशकाय जो स्थिति है उसका ही बोध होना चाहिए, है ना, मतलब उनको देख के हमारे मन में द्रवित होना चाहिए। डायरेक्टली उसी वस्तु का वर्णन होना चाहिए, किसी से तुलना नहीं होनी चाहिए, सीधा उसी वस्तु का वर्णन होना चाहिए, आरोपण नहीं होना चाहिए। आरोपण जब होता है तो अलंकार हो जाता है, किसी चीज से हम तुलना करते हैं तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जो विभिन्न अलंकार होते हैं वो हो जाता है, तो इसमें अलंकार नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली उस वस्तु का वर्णन होना चाहिए। अब काव्य बिंब की क्या, बिंब की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है ये देखते हैं। काव्य बिंब के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों द्वारा अनेकानेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनसे काव्य बिंब की निम्नलिखित विशेषताएं उजागर होती हैं। तो उनकी उनके जो परिभाषा दी गई है काव्य बिंब को, तो उन्हीं विशेष उसी के आधार पर हमको उनकी विशेषताएं पता चलती है। काव्य बिंब, पहला है, बिंब शब्दों के माध्यम से व्यक्त एक भावचित्र है, अतः इसमें चित्रात्मकता का अनिवार्य गुण निहित रहता है। बिंब क्या है, शब्दों के द्वारा चित्र का निर्माण, शब्द चित्र का निर्माण, भावनाओं को जो अमूर्त हमारी भावनाएं हैं उसको मूर्त रूप प्रदान कर देना, बिंब बना देना, इमेज बना देना, इसलिए इसमें चित्रात्मकता का गुण अनिवार्य है। मतलब चित्र हमारे सामने इमेज बन जाना चाहिए किसी चीज का, जिसका कवि ने उल्लेख किया है। दूसरा, बिंब में भाव या संवेग की अनुप्रेरणा रहती है। मतलब बिंब कहां से प्रेरित होते हैं, कहां से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, भावनाओं से या संवेगों से। संवेगों मतलब हमारे इमोशंस और फीलिंग से,
यह इसकी प्रेरक शक्तियां होती हैं, इसे प्रेरणा ग्रहण करता है बिंब। इस रूप में बिंब एक ऐसा शब्द चित्र है जो इंद्रिय संवेदना को जागृत करता है, क्योंकि बिंब का जन्म भावों और इमोशन से ही होता है, तो इसीलिए क्या है उसके कारण जब जो शब्द चित्र बनाता है, जो कोई कवि शब्दों के माध्यम से किसी चीज को चित्रित करता है, तो जब कोई पाठक या श्रोता है ना, या तो उसको पढ़ता है या सुनता है, तो उसके मन में भी वही संवेदनाएं पैदा होती है जो कवि के मन में जो संवेदनाएं पैदा हुई थी। यह इसका बिंब का उद्देश्य चित्रण शक्ति द्वारा पाठक या श्रोता के कल्पना अथवा भाव संसार में भावोत्पादन एवं भावोद्वेलन करना होता है। तो बिंब का उद्देश्य क्या होता है? बिंब का उद्देश्य होता है कल्पना के माध्यम से पाठक या श्रोता के मन में संवेदनाओं को उत्पन्न कर देना, है ना, भावनाओं को उत्पन्न कर देना, संवेदना उत्पन्न कर देना, फीलिंग्स और इमोशंस पैदा कर देना, यह इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद यह बिंब का उद्देश्य हो गया। बिंब का निर्माण कल्पना से होता है ना, कल्पना के कारण ही वो इमेज बन पाता है। कवि की भावानुभूति मतलब उसके फीलिंग्स जो उसने फील किया से अतीतानुभव मतलब पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, भूतकाल के जो अनुभव है या स्मृतियां जुड़ी होती है, मतलब और स्मृति कल्पना से जुड़ी होती है, मतलब कवि की जो भावनाएं हैं, कवि की भावनाएं किससे जुड़ी होती है, से अतीतानुभव, कवि के जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, उसमें भूतकाल की स्मृतियां उससे जुड़ी हुई होती है, और स्मृति किससे जुड़ी होती है, कल्पना से जुड़ी होती है। अतः बिंब निर्माण की प्रक्रिया में कल्पना के साथ साथ स्मृति भी आवश्यक उपकरण बनकर उपस्थित रहती है, इसलिए बिंब निर्माण करने के लिए केवल कल्पना ही नहीं बल्कि कुछ स्मृति भी आवश्यक है, अतीत की स्मृतियां भी उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दो चीजें जरूरी है, बिंब निर्माण के लिए कल्पना भी जरूरी है और स्मृति भी जरूरी है। पांचवा, बिंब अमूर्त भावों एवं विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है। अतः हमारे दिमाग में है, क्योंकि बिंब तो हमारे दिमाग में बना हुआ है जो अमूर्त है, तो जो हमारे अमूर्त भावनाएं हैं जैसे दुख की भावना है, करुणा की भावना है, दया की भावना है, जैसे उन गरीब भूखे बच्चों के मन के प्रति कवि के मन में क्या भावना है, दया करुणा की भावना है, जो कि अमूर्त भावना है, तो बिंब के माध्यम से इस अमूर्त भावना को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। छठवा, बिंबों में भावों के आंतरिक सौंदर्य की साम्यता के आधार पर अभिव्यक्ति होती है, इसलिए साम्य सौंदर्य बिंब की मूलभूत विशेषता है। आंतरिक सौंदर्य मतलब जैसे कि बिंबों में जो हमारी भावनाएं हैं उसके सौंदर्य की भी अभिव्यक्ति होती है, और जब सौंदर्य की अभिव्यक्ति होगी तो क्या होता है, सौंदर्य भी बिंब की मूलभूत विशेषता है। जैसे कोई बहुत खूबसूरत चीज को किसी ने कवि ने देखा है, किसी नायिका को देखा है उसने और उसका वर्णन कर रहा है, सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, तो क्या होता है, सौंदर्य भी बिंब की मूलभूत विशेषता है। खाली दुख और करुणा का भाव नहीं रहता, जो भी उसने देखा अच्छा बुरा है ना, वे सारी चीजें यहाँ पर अभिव्यक्त होती है। इसलिए जो आंतरिक सौंदर्य है, जो कवि के मन में जो आंतरिक सौंदर्य है, उसकी अभिव्यक्ति भी बिंब में होती है। कतिपय विद्वानों ने बिंब को एक अलंकरण के रूप में भी स्वीकार किया है, जो भाषा के शाब्दिक प्रयोग से भिन्न एक अलंकारिक प्रयोग है। मतलब कुछ लोगों ने कहा है, कुछ विद्वानों ने, बिंब क्या है, अलंकारिक प्रयोग है भाषा का, लेकिन यह अलंकार नहीं है, अलंकार जैसा है, किंतु बिंब अलंकार की भांति काव्य की बाह्य साज सज्जा का उपकरण मात्र ही नहीं, बल्कि काव्यानुभूति से उसके गहन संबंध को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अलंकार में क्या होता है, अलंकार हम कविता को सजाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिंब का प्रयोग कला उसको सजाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिंब का जो प्रयोग होता है उसकी बिंब का संबंध होता है काव्य की अनुभूति से, उसमें जो फीलिंग्स हैं है ना, इमोशंस है, उससे इसका संबंध होता है। इसलिए उसका गहन संबंध किससे होता है, काव्य की अनुभूति से होता है, काव्य की फीलिंग से होता है, कवि के फीलिंग्स और इमोशंस होता है। मतलब जबरदस्ती बिंब को डाला नहीं जाता अलंकार की भांति, बिंब क्या है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, वो अलंकार नहीं, अलंकार से अलग है। अब बिंब के मूलभूत तत्व क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, बिंब के तीन मूलभूत तत्व होते हैं, कल्पना आवश्यक है बिंब निर्माण के लिए, बिंब विधान के लिए, फिर भाव, भावना, इमोशंस, फीलिंग्स, और इंद्रियता, इंद्रियता मतलब हमारे सेंसेशंस। इंद्रियता में बता चुका, हमारे पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जिन चीजों को हम महसूस करते हैं उसको बोलते हैं इंद्रियता। तो बिंब के लिए क्या क्या तीन मूलभूत तत्व हैं, कल्पना, कवि का जो इमेजिनेशन है, भावना है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, और इंद्रियता जो हम महसूस करते हैं, है ना, अपनी इंद्रियों के माध्यम से। कोई भी बिंब जब निम्न गुणों से युक्त होता है तभी काव्य के लिए उपयोगी बन पाता है, बिंब के ये गुण है। अब बिंब के कौन कौन से गुण हैं, बिंब में जो निम्नलिखित गुण होते हैं जो नीचे यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं आपको, तो
तभी वह बिंब सार्थक होता है, उपयोगी होता है। पहला, भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य। बिंब की सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है, हमारी भावनाओं को उत्तेजित करना आना चाहिए उसमें, चाहे रोमांटिक फीलिंग्स हो, चाहे दुख या करुणा या प्रेम या उत्साह, इन सब की भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति और सामर्थ्य बिंब में होना चाहिए। नवीनता एवं ताजगी, मतलब कुछ नया लगना चाहिए, ताजा महसूस होना चाहिए, वाह क्या बिंब है। इसके बाद औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता एवं सार्थकता। बिंब ऐसा होना चाहिए जैसे करुणा का भाव है तो दुख का भाव है, तो उसी तरह का बिंब कवि को निर्मित करना चाहिए, और यदि खुशी या उत्साह या उमंग का है तो उसी के आधार पर बिंब का निर्माण करना चाहिए। शब्दों के माध्यम से उस तरह के शब्द चित्र बनाए जाने चाहिए, तभी वह बिंब सार्थक होगा। चौथा, सजीवता अर्थात बिंब इतना स्पष्ट होना चाहिए कि पाठक या श्रोता तुरंत आंतरिक साक्षात्कार कर सके। मतलब बिंब कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सजीव होना चाहिए, बिल्कुल जीवंत होना चाहिए। जैसे बारिश के दृश्य का वर्णन अगर कवि ने किया है तो पाठक या श्रोता को ऐसा लगना चाहिए कि बारिश हो रही है, ऐसा है, मतलब तुरंत उसको ऐसा महसूस होना चाहिए उसको पढ़कर या फिर सुनकर। इसके बाद बिंबों के भेद, बिंब कितने प्रकार के होते हैं। बिंबों के अनेक भेद विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। बिंब कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं, कुछ प्रमुख प्रकार। ऐन्द्रिक बिंब, इसके अंतर्गत निम्न भेद आते हैं। ऐन्द्रिक बिंब कौन से बिंब होते हैं, जो पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा महसूस की गई संवेदना या अनुभूति के आधार पर जो बिंब या इमेज निर्मित होता है उसे कहते हैं ऐन्द्रिक बिंब। ऐन्द्रिक बिंब में आते हैं चाक्षुष बिंब, चाक्षुष मतलब चक्षु मतलब आंख, है ना, आंख के द्वारा देखी गई चीजों के द्वारा जो बिंब बनता है। श्रव या नादात्मक, सुनी हुई बात, सुनी हुई चीजें, कोई संगीत जिसको हम सुनते हैं, कानों के द्वारा जिसको सुनते हैं, तो श्रव या नादात्मक बिंब। स्पर्श, छूकर महसूस करके स्पर्श बिंब। घ्रातव्य, सूंघ करके जो बिंब बनते हैं। आस्वाद्य, जिसको हम जीव से चखते हैं, इसके कारण जो इमेज बनते हैं उसे बोलते हैं चाक्षुष बिंब। काल्पनिक बिंब कौन कौन से माने जाते हैं, स्मृति बिंब, स्मृतियों के आधार पर निर्मित बिंब को बोलते हैं काल्पनिक बिंब, या फिर कल्पित बिंब, कल्पना के आधार पर जो बिंब निर्मित होते हैं उसे कहते हैं कल्पित बिंब। तो कल्पित बिंब क्या हो गया, जो कल्पना के आधार पर भी निर्मित होता है, और प्रेरक अनुभूति के आधार पर। अब कैटेगराइजेशन है, इस पर ज्यादा डीपली अपन नहीं जाएंगे। प्रेरक अनुभूति के आधार पर कहीं से हमको प्रेरणा मिली है ना, उस अनुभूति के आधार पर क्या होते हैं, सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब, विकीर्ण बिंब। ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज है जिसको आपको याद करना है। इसके बाद बिंब के कुछ उदाहरण हमको देना बहुत ही जरूरी है अपने उत्तर में। बिंब का हमने इतना लंबा चौड़ा वर्णन कर दिया है और हम नहीं बताएंगे कि बिंब होता क्या है उदाहरण के द्वारा, तो पूरा हमारा प्रयास जो है असफल हो जाता है। तो हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा बिंब के कुछ उदाहरण। चाक्षुष बिंब, चाक्षुष, चक्षु मतलब आंख होता है, आंख के द्वारा जो हम चीज देखते हैं, या फिर कोई कभी ऐसा बिंब बना देता है कि हमारे आंख के सामने वो चित्र उपस्थित हो जाता है, उसको बोलते हैं चाक्षुष बिंब। चाक्षुष बिंबों का संबंध नेत्रों से, आंखों से। सजीव चित्रात्मक वर्णन इन बिंबों की विशेषता है। मतलब जब कवि इस प्रकार वर्णन करता है कि हमारे सामने चित्र उपस्थित हो जाते हैं, शब्द चित्र के माध्यम से वह ऐसा इमेज बनाता है, बिंब बनाता है, कि वह हमारे सामने उपस्थित हो जाता है सजीव रूप में। निम्न काव्य पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत ने संवेदन युक्त हृदय से भारत के ग्रामीण बच्चों का साकार चित्र दृश्य या चाक्षुष बिंब प्रस्तुत किया है। जो मैं शुरुआत से आपको बताते आ रहा हूं, इन्हीं पंक्तियों के बारे में आपको बता रहा था कि सुमित्रा नंदन पंत ने कैसी कितनी बेहतरीन कविता लिखी है, आप देख सकते हैं। मिट्टी से भी मटमैले तन, अध फटे कुचैले जीर्ण वसन, जो मिट्टी के हों बने हुए, ये गवई लड़के भूखे धन। कोई खंडित, कोई कुंठित, कृष बाहु पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग। कितनी संवेदना इन पंक्ति में आप देख सकते हैं कि उन गरीब बच्चे जो फटे पुराने कपड़े पहले पहने हुए हैं, बिल्कुल मिट्टी की तरह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी के ही बने हुए हैं, है ना। और टहनी सी टांगे, बहुत पतले पतली टांगे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका पेट निकला हुआ है, कई टेढ़े मेढ़े बच्चे हैं, कुछ पोलियो के शिकार हैं। तो इन जो ग्रामीण बच्चे हैं, गरीब बच्चे, इनका जो इन्होंने जो इमेज बनाया यहाँ पर, तो हमारे मन में करुणा का भाव जागृत होता है, है ना। तो इसको बोलते हैं चाक्षुष बिंब। इसको पढ़कर इन बच्चों का इमेज हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, चित्र उपस्थित हो जाता है, इसे बोलते हैं चाक्षुष बिंब। तो अब आप समझ गए होंगे बिंब क्या होता है, यही होता है कि इस कविता को पढ़ने से, जैसे सुमित्रानंदन पंत ने संवेदन युक्त हृदय से भारत के ग्रामीण बच्चों का साकार चित्र या दृश्य या चाक्षुष बिंब प्रस्तुत किया है। मिट्टी से भी मटमैले तन,
अध फटे कुचैले जीर्ण वसन, जीर्ण वसन मतलब कपड़े कटे फटे, जो मिट्टी के हों बने हुए, ये गवई लड़के भूखे धन, कोई खंडित कोई कुंठित, कृष बाहु पसलियां रेखांकित, मतलब पसलियां भी दिखाई दे रही हैं, एक एक पसलियों को आप गिन सकते हैं, कृष बाहु बहुत पतले दुबले हाथ पैर, टहनी सी टांगे बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग, मतलब ये हमारे समाज की घृणित परिस्थिति का वो है कि बच्चों को इस कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है ना। बच्चे घृणा के पात्र नहीं है, बल्कि वे परिस्थितियां घृणा के पात्र हैं जिन्होंने बच्चों को इस स्थिति में पहुंचा है। तो इन पंक्तियों को पढ़ के आपके सामने जो बिंब उभर रहा है, जो इमेज उभर रहा है, वह है इन बच्चों का इमेज निश्चित रूप से आपके सामने उभर के आ रहा होगा। इसे कहते हैं चक्षुष बिंब, यही बिंब है। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था यही बिंब और इमेज है। मतलब कवि ने कभी इन गरीब बच्चों को कहीं देखा होगा तो उनके अवचेतन मन में इनकी स्मृतियां रही होंगी, लेकिन कभी खाली क्षणों में वह स्मृतियां उनके अवचेतन मन से निकल कर कहां आ गई, चेतन मन में। तब चेतन मन में कल्पना के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाओं को कल्पना के माध्यम से और अपनी अतीत की स्मृतियों के माध्यम से चाक्षुष बिंब के रूप में व्यक्त कर दिया। इसके बाद श्रव्य बिंब, सुनने पर कोई बिंब बनता है, सुनने पर भी, मतलब कोई कविता हम सुन रहे हैं तो हमारे सामने जो संगीत की लय की तरह संगीत की थिरकन को हम महसूस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं श्रव्य बिंब। मतलब कवि ने इतने बढ़िया तरीका से लिखा है कि हमको उसमें संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती है। जैसे कि श्रव्य बिंब या नादात्मक बिंब का संबंध कर्णेन्द्रिय या कान से, मतलब श्रव्य बिंब कोई कविता पाठ हम सुन रहे हैं या फिर हम कोई कविता को पढ़ रहे हैं तो हमको सुकून महसूस होना चाहिए, है ना, हमारी कानों को। जैसे ध्वनि स्तर लय नाद तान आदि कर्ण प्रिय ध्वनियात्मक संगीत से श्रव्य बिंब का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। मतलब कवि ऐसे 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 शब्दों का चयन करता है जो ध्वनि से संबंधित होते हैं। वर्षा काली निम्न वर्णन प्रसंग में श्रव्य बिंब की सृष्टि की गई है। जैसे यहाँ पर नीचे एक कविता दी गई है जिसमें वर्षा काल का वर्णन है और शब्दों के माध्यम से श्रव्य बिंब की सृष्टि की गई है। जैसे कोई इसको पढ़ेगा, कोई व्यक्ति अपने खाली समय में यदि इस कविता को पढ़ता है या फिर किसी को सुनाता है, जब वो सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि सच में बारिश हो रही है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याओ म्याओ रे मोर प्यू प्यू चातक के गन। अब आप ऐसे पढ़ रहे हैं, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कहीं बारिश हो रही है। तो हमारे सामने जो बिंब उभर के आ रहा है इन शब्दों से, है ना, तो इनको सुनकर ऐसा लगता है कि वास्तव में बारिश हो रही है कहीं पर, तो ये बिंब होता है। स्पष्ट है कि जो श्रव्य बिंब होते हैं वे ध्वनि मूलक होते हैं, इनका संबंध ध्वनि से होता है, हमारे कानों से होता है, जिसमें शब्दों की ध्वनियात्मकता बिंब प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे अंदर हमारे मतलब ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि का प्रभाव उत्पन्न करती है हमारे मन में, ऐसे बिंब। इसी प्रकार स्पर्शिक संवेदनात्मक चित्रों से स्पृश्य बिंब, रसन संवेदन से आस्वाद्य बिंब तथा घ्राण संवेदन से घ्रातव्य बिंबों की कल्पना की जाती है। मतलब जितनी भी हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, छूने से, यदि कवि ऐसा लिखता है कि मुझे छूकर उसको ऐसा लगा कि बर्फ की तरह वह ठंडा था, कविता में वो लिखते हैं बर्फ की तरह वह ठंडा है ना, बर्फ बर्फ जैसा, और रसन संवेदन मतलब खाने पे कैसा प्रतीत हुआ किसी चीज को, या फिर जो खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, तो ये सभी प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से बिंब का सृजन किया जाता है। अब हम देखते हैं उपसंहार। तो कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता को पंत जी ने पल्लव की भूमिका में स्वीकार किया है। पंत जी ने पल्लव की जो भूमिका को लिखा गया उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और जैसे विलियम वॉर्ड्स ने जो लिखा था उसमें प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, रोमांटिसिज्म का घोषणा पत्र बोला जाता है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। और विलियम वर्ड्स को भी नेचर पोएट कहा जाता है और सुमित्रानंदन पंत जी को भी प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखें। और दोनों ने ही उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए उसके बारे में उन्होंने उसका वर्णन किया है। इसी प्रकार पल्लव की भूमिका में जो सुमित्रानंदन पंत जी ने बताया कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने बोली कविता की भाषा चित्र भाषा होनी चाहिए। चित्र भाषा मतलब शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से चित्र उकेरने की क्षमता, तो चित्र भाषा। यह चित्र भाषा बिंब विधान अर्थात बिंब की रचना से ही संभव हो पाती है।
मतलब चित्र भाषा कैसे संभव हो पाएगी, बिंब विधान के माध्यम से संभव हो पाएगी। मतलब बिंबों के द्वारा ही हम ऐसा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि चित्र बन जाए। इसलिए काव्य भाषा के लिए बिंब अपरिहार्य है, जिस प्रकार काव्य भाषा के लिए बिंब अपरिहार्य है और बिंब विधान के लिए चित्र भाषा अपरिहार्य है। मतलब चित्र भाषा बिंब विधान के माध्यम से संबंध है और दोनों का चोली दमन का संबंध है, आपस में गहरा संबंध है। ये भावानुभूतियों को चाक्षुष या दृश्य या मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जो चित्र भाषा होती है वह मन की भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर देता है तथा काव्य में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। चित्र भाषा से क्या होता है या बिंब या प्रति बिंब के माध्यम से क्या होता है, इमेज के माध्यम से काव्य में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। बिंब द्वारा सृजित चित्र केवल रुखे शब्द चित्र ही ना हो अपितु इन शब्द चित्र में भावों और अनुभूतियों को उद्वेलित करने की शक्ति भी होनी चाहिए, तभी बिंब को सार्थक कहा जा सकता है। मतलब बिंब के द्वारा जिस चित्र का निर्माण हो रहा है हमारे मन में, है ना, तो वो क्या रूखा नहीं होना चाहिए, रूखा सूखा महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा हमारी जो भावनाएं हैं उसको उद्वेलित करने, जागृत करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जैसे यदि पंत जी से सरल सहज भाषा में लिख देते कि मैंने गरीब बच्चों को देखा, उनका पेट निकला हुआ था, हाथ पैर खिसकाए थे, तो ऐसा लगता कि हमको कोई सिर्फ गरीबी का वर्णन किया जाता जा रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर तबके का वर्णन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो इमेज या बिंब जो बन रहे हैं हमारे दिमाग में, तो वो हमारी भावनाओं को भी उद्वेलित करना चाहिए उनको, तभी वह सफल होगा वह बिंब, तभी उस बिंब को हम सार्थक कहेंगे जो हमारी भावनाओं को जगा सके। काव्यात्मक बिंब निर्माण में भावानुभूति क्या क्या होता है, काव्य बिंब के निर्माण में भावानुभूति, भावों की अनुभूति मतलब फीलिंग्स और इमोशंस, कवि की सृजनात्मक कल्पना, सृजनात्मक मतलब सृजन करने के संबंध में कल्पना, ये तो कवि के लिए जरूरी है, कवि तो काल्पनिक कल्पना और अपने सृजन की क्षमता तो उसमें होनी चाहिए, है ना, कल्पना भी होनी चाहिए। स्मृति जन्य ऐन्द्रिक अनुभवों का संयोग, स्मृति जन्य मतलब अतीत की स्मृतियां भी शामिल होनी चाहिए इसमें, और ऐन्द्रिय जन्य अनुभव मतलब पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होते हैं वह भी शामिल होना चाहिए। तो इन सारी चीजों से मिलकर कवि के फीलिंग्स और इमोशंस, कवि का जो टैलेंट होता है ना, उसके इमेजिनेशन है, उसका खुद का टैलेंट है सृजनात्मक, और उसकी अतीत की स्मृतियां, पास्ट के एक्सपीरियंस एंड पास्ट मेमोरीज, इन सब का जब संयोग हो जाता है, उनसे अनुभवों का जब संयोग हो जाता है, तब बिंब का निर्माण होता है। और कवि की सामर्थ्य के अनुसार चित्रमयी सार्थक भाषा बिंब को अस्तित्व में लेकर आती है, और कवि में जितना टैलेंट होता है, कवि में जितना सामर्थ्य होता है, उसके अनुसार ही वह अपने चित्र शब्द चित्रों का प्रयोग करता है और चित्रमयी सार्थक भाषा बिंब को अस्तित्व में लेकर आते हैं। मतलब शब्द चित्रों के माध्यम से वह बिंब को अस्तित्व में लेकर आता है, शब्दों के माध्यम से बिंब या इमेज को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे बिंब क्या होते हैं। तो आज का यदि मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने मित्रों के साथ भी इसे साझा करें। और मेरे इस लेक्चर का जो नोट्स है उसका PDF है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिख कर जरूर बताएं कि मेरा आज का एपिसोड या कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।